हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें घड़ी को सहने के लिए। वो बड़े भारी आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओत प्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी वहाँ के घर में है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना खाए नहीं खाए क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे हम क्योंकि सिंगापुर जा रहे हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें घड़ी को सहने के लिए। वो बड़े भारी आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल जा रहा हूँ। हम लोग का कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस तुरंत करके खत्म। कुछ दिनों पहले राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हम मेदांता अस्पताल गए थे आदरणीय नेताजी की तबीयत का जायजा लेने, और वहाँ आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत हैं, दुखी हैं। और आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया और एक राजनीतिक रूप, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेता भी नेताजी रहे। तो आज हम सब लोग, हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है।